हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आप लोग मस्त होंगे। और गाइज आज नवरात्रि के महा दशहरा का दिन है और आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं, सपरिवार शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिएगा, मैं अभी नैनीताल के तल्लीताल छोर पे हूँ, जो तल्लीताल छोर कहा जाता है यहाँ पे। और मेरे बैक साइड में यहाँ पर रावण राज बने हुए हैं, जो कि रावण का पुतला बनाया गया है। और उसके बाद मैं मल्लीताल भी जाऊंगा और सारी गतिविधियां दिखाऊंगा, एक्टिविटी दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइस। ये देखिएगा, ये रावण है। तल्लीताल में यहाँ पर डांट पे रावण को बनाया गया है और शाम को दहन होगा, तो उस टाइम पे भी मैं यहाँ आऊँगा। और आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर अभी बंगाली सीजन भी चल रहा है और पर्यटक यहाँ गुजराती और बंगाली लोग बहुत सारे आए हुए हैं। तो इस साइड में आगे की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, पर्यटकों की भीड़। शाम का समय है ये और बहुत यहाँ सजावट की गई है। नैनीताल, ये तल्लीताल छोर पे हूँ मैं अभी। अभी थोड़ी देर में मल्लीताल को जाऊँगा। और अगर चैनल में नए आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा। ये मछली देखिएगा, यहाँ की फेमस फिश हैं ये, और बहुत खूबसूरत फिश और कलर वाइज फिश हैं, बट अभी दिख नहीं रही हैं कोई कोई, नहीं तो रेड में भी आती हैं इसमें। ये देखिएगा बैंड बाजों के साथ माँ दुर्गा का महोत्सव होता हुआ नैनीताल से। श्री राम चलते भी आगे थे गाइस, आगे मैं दिखाता रहूंगा आपको वीडियो, और पूरी देखना, कहीं पर भी आप स्किप ना करिएगा और आगे वीडियो देखते रहें। देखो आगे क्या क्या बनता है, मैं भी देखूंगा और आप लोग भी, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये रावण सेना है। तो गाइज मैं यहाँ से सीधे मल्लीताल की तरफ को जाता हुआ और वहाँ जाके देखता हूँ कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि महादशमी की। और वहाँ तो बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं और बहुत बड़ा रावण बनाया गया होगा, क्योंकि पिछले साल देखा था मैंने और सालों भी देखता आया हूँ। पिछले साल तो था नहीं, बट कोरोना काल की वजह से। तो वहाँ जाके मिलता हूँ। तो गाइज देखिएगा, मैं DSA ग्राउंड पे पहुँचने वाला ही हूँ, बट यहाँ भीड़ बहुत तगड़ी भीड़ है। अब देखिएगा, एकदम से जा भी नहीं पा रहे हैं और आगे से इतना क्राउड है। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, पूरी भरी पड़ी हैं, खचा खच। इस साइड को भी देखिएगा, अब पूरी तरीके से भरी पड़ी हैं और अभी से दर्शक बैठे हुए हैं। अभी जबकि 6:30 बजे का टाइम हो रखा है शाम का, और देखने लायक यहाँ भीड़। और मैं आगे की तरफ को बढ़ता हुआ और आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। ये देखिएगा गाइज, और जहाँ जाओ वहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, और तगड़ी भीड़ होती हुई। और अभी तो 6:30 बजे का टाइम है, तो धीरे धीरे 8:30 बजे तक रावण का दहन होगा, तो तब तक तो और तगड़ी भीड़ हो जाएगी मेरे अनुमान से, क्योंकि यहाँ मैं मल्लीताल फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, जो कि शाम के टाइम में। वैसे तो दिन में रावण को बनाते हुए देखा है मैंने बॉर्डर बहुत पहले, 2-3 साल पहले, जब कोरोना काल नहीं था, बट आज शाम के टाइम में गया हूँ। दहन होते हुए यहाँ नहीं, मैं तल्लीताल जाऊँगा, इसी एरिया से मेरी ड्यूटी का भी, जो कि नजदीक है, यहीं से रहता है। ये देखिएगा रावण की तरफ को जाता हुआ है, अद्भुत कलाकारी के साथ यहाँ रावण का पुतला बनाया गया है। ये देखिएगा गाइस, दशानंद, दशानंद जिसके सर दशानंद और खड़ग है उसके हाथ में रावण के, पूरे मोड़ पहने हुए रावण। और ये देखिएगा गाइस,
मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, मैंने फ्रंट से भी दिखाया आपको। और यहाँ से लाइटों से सजा हुआ नैनीताल, और ये बैक साइड में देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है। 7 बज चुके हैं, ये देखिएगा गाइस, क्योंकि हम यहाँ से सीधे प्रस्थान करूँगा नैनीताल की तरफ को। और आगे की तरफ को बढ़ता हुआ है, जहाँ देखो इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो कि आज नवदुर्गा महोत्सव का महादशमी का दिन है। और आगे की तरफ को देखता रहा आप गाइज, अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा और झक्कास वीडियो बनेगी। रावण का जो पुता है उसका दहन होता हुआ, और धीरे धीरे रावण का पूरा पुतला जलता हुआ आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो के जरिए। लगभग शाम के 8 बजे का टाइम हो रखा है, 8:15 बजे हैं।
लोग यहाँ फोटो और वीडियो बनाते हुए रावण के पुतले के जो दहन होता हुआ अभी तो गाइज वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, स्केप करने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि आप आगे देखते रहेंगे और बहुत सारी एक्टिविटी मैं दिखाता रहता हूँ, वो मैं भी नहीं जानता हूँ कि आगे वीडियो में क्या दिखाऊंगा करके। और बहुत समय समय के बाद मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पर डे ब्लॉग बनाता हूँ, मेरा कोई टाइमिंग का नहीं है, बट मैं शाम के टाइम में ब्लॉग डालता हूँ हमेशा, लेकिन आज नहीं डाल पाऊँगा ये ब्लॉग, कल तो ही डालूंगा क्योंकि आज लेट हो जाऊँगा, तो कल दिन में तक 6 तारीख को मैं ब्लॉग डालूंगा। धू धू करके चलता हुआ रावण का कुत्ता यहाँ पे, ये देखिएगा गाइस, क्योंकि रावण जलने में बहुत टाइम लग रहा है, रावण का पुतले जलने में पता नहीं, क्योंकि यहाँ फॉग भी इतना था, बहुत सारे मतलब इस तरीके से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा हॉल लगा था, कोहरा लगा था, तो क्या पता रावण में थोड़ा सीलन बैठ गई हो, बट बहुत टाइम लग रहा है और सब जल्दी हो जाता था दहन, तो इस आज आधा घंटा लग चुका है क्योंकि यहाँ मौसम भी खराब चल रहा है नैनीताल में, तो इसी कारण बस रावण के पुतले में कुछ नमी हो गई है।